मजवा से बीजेपी की प्रत्याशी सुचस्मिता मौर्य ने चुनाव जीता। सुचस्मिता मौर्य ने जीती हारी हुई बाजी। समाजवादी पार्टी की डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव हारे। सुचस्मिता मौर्य ने डॉक्टर ज्योति बिंद 4922 वोटों से हराए। पत्रकारों से बात करते हुए सुचस्मिता मौर्य ने कहा कि जीत का श्री भारतीय जनता पार्टी और मजवा के सम्मानित मतदाता को जाता है। जाति से उठकर लोगों ने विकास के नाम पर वोट किया। मजवा का विकास और आगे बढ़ेगा। मिर्जापुर की मजवा विधानसभा सीट पर बीजेपी की सुचस्मिता मौर्य ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को 4922 वोटों के अंतर से हराया। डॉक्टर ज्योति बिंद के पिता डॉक्टर रमेश चंद बिंद को भी 2017 के चुनाव में सुचस्मिता मौर्य ने हराया था। डॉक्टर रमेश चंद बसपा से लगातार 3 बार से विधायक चुने जा रहे थे। सुचस्मिता मौर्य पूर्व विधायक हैं। 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी के खाते में सीट चले जाने से सुचस्मिता मौर्य का टिकट कट गया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। एक बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ विधायक बन गए। सुचस्मिता मौर्य को जहां 77,737 वोट मिले, तो वहीं सपा के डॉक्टर ज्योति बिंद को 72,815 वोट मिले। बीएससी के दीपक तिवारी को 34,927 मत मिले। सुचस्मिता मौर्य ने डॉक्टर ज्योति बिंद को 4,922 वोटों के अंतर से हराया है। तीसरे स्थान पर बसपा के दीपक तिवारी रहे, उन्होंने 34,927 वोट मिले। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद और आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस जीत का पूरा श्रेय मेरी भारतीय जनता पार्टी को है, उनके देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का और मजवा के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं को है। पूरा पूरा श्रेय उनको जाता है। जाति समाज समीकरण की मजवा में होता था, ये परंपरा आपने तोड़ा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और वह जातिवाद को देख करके किसी के लिए उत्थान के कार्यक्रम नहीं करती है, अपनी योजनाएं नहीं चलाती है, उसके कार्यक्रम जो भी चलते हैं भारतीय जनता पार्टी से उसमें सभी लोग लाभान्वित होते हैं। उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगी कि जाति की बात छोड़ करके हम सभी लोग विकासवाद की बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। जीत की श्रेय किसको देंगे? मैं अपने पार्टी को जीत का श्रेय दे रही हूँ, अपने सभी देवतुल कार्यकर्ता बंधुओं को और मजमा के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं को देना चाहती हूँ। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब जीतने के बाद जो विकास कार्य हमारी जनता बताएगी उसको मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगी।